हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में हुआ था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपने टेलीफोन के आविष्कार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनके इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की माँ और पत्नी दोनों बहरी थीं, जिस वजह से उन्हें ध्वनि विज्ञान यानी साइंस ऑफ साउंड में बहुत रुचि थी। बेल को पूरा यकीन था कि टेलीग्राफ तार के जरिए ध्वनि के सिग्नल भेजे जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर शोध कार्य शुरू कर दिया। शोध कार्य के लिए उन्होंने अपने साथ एक सहायक थॉमस वॉटसन को रखा, जिसने टेलीफोन की खोज के लिए बेल की काफ़ी मदद की। 10 मार्च 1876 के दिन बेल अपने कमरे में और उनका सहायक वॉटसन ऊपरी मंजिल पर अपना काम कर रहे थे। बहुत दिनों से लगातार यंत्रों को जोड़ने पर भी उन्हें तारों के जरिए ध्वनि संचारण में सफलता नहीं मिल रही थी। उस दिन पता नहीं तारों का कैसा संयोग बना, काम करते करते बेल की पेंट पर हल्का तेजाब गिर गया और उन्होंने वॉटसन को मदद के लिए पुकारा और वॉटसन ने उनकी आवाज़ को अपने पास रखे यंत्र से आते हुए सुना और उसके बाद की कहानी इतिहास बन गई। यह दो व्यक्तियों के बीच पहली बार टेलीफोन पर की गई बात थी, जिसमें बेल अपने सहायक थॉमस वॉटसन को कहते हैं, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू, यानी कि मिस्टर वॉटसन यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। टेलीफोन की खोज के तुरंत बाद बेल ने इसका पेटेंट करवा दिया और 1877 में एक टेलीफोन कंपनी खोल ली, जो जल्द ही बहुत अमीर हो गई। आज बेल की कंपनी को AT&T के नाम से जाना जाता है। ग्राहम बेल की विलक्षण प्रतिभा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे महज 13 वर्ष की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 16 साल की उम्र में यह खोजी वैज्ञानिक एक म्यूजिक टीचर के रूप में मशहूर हो गया था। लगभग 23 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा पियानो बनाया था जिसकी मीठी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनी जा सकती थी। पहला ट्रांसकॉन्टिनेंटल टेलीफोन कॉल, अर्थात एक महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहला टेलीफोन कॉल 15 जनवरी 1915 को हुआ था, जिसमें बेल ने थॉमस वॉटसन से बात की थी। बेल उस समय अमेरिका के पूर्वी तट पर बसे न्यूयॉर्क सिटी में थे और थॉमस वॉटसन पश्चिमी तट पर बसे सैन फ्रांसिस्को शहर में थे। टेलीफोन की खोज के बाद बेल अपने कमरे में टेलीफोन को रखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुसार यह उनके काम में बार बार खलल डाल रहा था। बेल की मृत्यु अनीमिया बीमारी की वजह से हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद पूरे उत्तरी अमेरिका की सभी टेलीफोन लाइन्स को बेल के सम्मान के रूप में 2 मिनट तक बंद कर दिया गया था। उनकी मृत्यु 2 अगस्त 1922 को कनाडा में 75 वर्ष की आयु में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।